सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, ऐसे में आगरा के क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की बद इंतजामी और लापरवाही कितनी है। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें आगरा मथुरा रोड पर बने एक क्वारंटाइन सेंटर की है। इस क्वारंटाइन सेंटर में जानवरों की तरह पानी बिस्कुट दिया जा रहा है और तस्वीरें देखें, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें किस तरह से गेट के पीछे क्वारंटाइन लोगों के आगे बिस्किट और पानी दूर से फेंका जा रहा है। सरकार एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ने और जीतने की बात कर रही है, वहीं इसी तरह से बद इंतजामी और लापरवाही की ये वीडियो ने सबके सामने इसकी पोल खोल दी। वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन ने कोरोना से इलाज करने के लिए क्वारंटाइन किया है इन लोगों को या भूख प्यास से मारने के लिए। आगरा में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 371 है और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले आगरा में ही हैं। और आगरा को अब चीन के वुहान शहर से भी जोड़कर कहा जा रहा है कि आगरा अब वुहान शहर बन गया है। कोरोना संक्रमण की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है और शासन प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।